सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लाए हैं यमहा FZ V3 FI, जो कि ग्लॉसी ब्लैक कलर में है। तो आज हम आपको इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे और वॉक अराउंड देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में हमें LED हेडलाइट विथ बल्ब DRL मिलता है, ये बल्ब इंडिकेटर्स मिलता है, और यहाँ हमें यमहा का बीच में लोगो मिलता है। तो सस्पेंशन की बात करें तो हमें टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलता है। सस्पेंशन के ऊपर में यमहा का स्टिकर चिपका हुआ है। तो टायर्स की बात करें तो 100x80 का टायर और 17 इंच का एलॉय मिलता है। ट्यूबलेस टायर है, रेडियल टायर है और सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक प्रेजेंट है। और हमें एलॉय व्हील भी ग्लॉसी ब्लैक कलर में मिलता है। तो हैंडल पे आते हैं तो हमें हाई बीम, लो बीम और पास स्विच मिलता है, राइट लेफ्ट इंडिकेटर, हॉर्न, हमें वेट मल्टीप्लेट क्लच मिलता है। तो इस तरफ हमें इग्निशन ऑन ऑफ और ये हमें सेल्फ स्टार्ट मिलता है। तो मीटर ऑन करते हैं तो हमें सारा कुछ डिजिटल मिलता है। तो हमें इस बाइक में नेगेटिव डिस्प्ले मिलता है। तो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, RPM मीटर, क्लॉक, हमें सारा कुछ मिलता है। तो ये बटन को प्रेस करके देखते हैं तो हमें ट्रिप मीटर, ट्रिप एफ, ट्रिप वन, ट्रिप टू, ये टाइम, ये ओडोमीटर, ये सारा कुछ बताता है। तो मीटर ऑफ करते हैं। तो टैंक की बात करें तो हमें 13 लीटर का टैंक मिलता है, ये यमहा का लिखा हुआ यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे यमहा का लोगो मिलता है। इस तरफ हमें FZ वर्जन 3.0 का ग्राफिक्स मिलता है, उस तरफ से भी हमें FZ वर्जन 3.0 का ग्राफिक्स मिलता है और यहाँ पे यमहा का लोगो। और इस बाइक में हमें और कहीं ग्राफिक्स नहीं मिलता है क्योंकि ये ग्लॉसी ब्लैक कलर में है, तो ग्लॉसी ब्लैक अच्छा से दिखे इसके वजह से कहीं और ग्राफिक्स नहीं दिया गया है। तो इंजन की बात करें तो हमें 149 cc का इंजन मिलता है, एयर कूल्ड इंजन है, 4 स्ट्रोक SOHC 2 वॉल्व इंजन है। पावर की बात करें तो 12.4 PS का पावर मिलता है, 13.3 Nm का टॉर्क मिलता है, FI इंजन है, सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन है और हमें यमहा का बैचिंग हमें इंजन पे मिलता है। तो रेयर टायर की बात करें तो हमें 140x60 का टायर और 17 इंच का एलॉय मिलता है। ट्यूबलेस टायर है, रेडियल टायर है, सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक प्रेजेंट है। तो पीछे में हमें ABS नहीं मिलता है। तो सस्पेंशन की बात करें तो हमें 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है। हमें एग्जॉस्ट पाइप डुअल कलर में मिलता है, ये देखिए। तो ये हमें मैट कलर में, हमें यहाँ पे कुछ मैट कलर का प्रिंट या फिर ग्रे कलर का पेंट बोल सकते हो, ये दोनों तरफ मिलता है, जो जिसके कारण बाइक और भी अच्छा लगने लगता है। तो टेल की बात करें तो हमें बल्ब टेल लाइट मिलता है, हमें बल्ब इंडिकेटर मिलता है, रिफ्लेक्टर मिलता है, ये हमें हगर मिलता है और इस तरफ हमें सारी गार्ड मिलता है और हमें 5-स्पीड गेयर बॉक्स मिलता है। तो इस बाइक की कर्व वेट की बात करें तो हमें 135 kg का ये बाइक मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हमें 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में मिलता है। तो माइलेज की बात करें तो हमें 50-55 kmpl का माइलेज हमें कंपनी क्लेम करती है। तो प्राइस की बात करें तो हमें 1.15 लाख से लेके 1.19 लाख एक्स शोरूम हमें बाइक ये मिल जाएगा। तो होप सो गाइस, वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं सही किसी और वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।